Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are fine and well. I am your mathematics instructor, Furqan Ahmed Qureshi, from VTuition's learning platform, which is Pakistan's first free of cost learning platform. Dear students, you know that ke hum logon ne jo hai past paper or model paper solutions according to board pattern start ki hui hai series uski, aur usko jo hai main aap logon ko सॉल्व करवा रहा हूँ. डेफिनेटली ये है कि उस पेपर्स को चैप्टर वाइज बनाया गया है और ताकि आप लोगों को जो है प्रैक्टिस करने में आसानी हो. और सिंध के डिफरेंट जो बोर्ड्स हैं वहाँ जो डिफरेंट क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर वो उसके अंदर हैं, और आपको इससे प्रैक्टिस करके डेफिनेटली जो है एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा फायदा होगा, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है मार्क्स जो है वो गेट करेंगे. और राइट नाउ हम जो है अपने लेक्चर की तरफ मूव करते हैं. आई एम शेयरिंग अ स्क्रीन राइट नाउ विद यू डियर स्टूडेंट्स विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम. सो आई एम शेयरिंग अ स्क्रीन. जैसे मैंने आपसे कहा कि चैप्टर नंबर 6 और 7 है. ऑलराइट, तो इसके जो है वो क्या हम करेंगे, पास पेपर और मॉडल पेपर सॉल्यूशंस क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू बोर्ड पैटर्न, और वहां पे जो एक स्कीम होती है पेपर की उसके अकॉर्डिंगली हम करेंगे. राइट, अप्रोक्सीमेटली तो पेपर का जो सेंस होता है या पेपर बनने की जो स्कीम होती है अप्रोक्सीमेटली सेम ही होती है. राइट, उसमें मोस्ट प्रोबेबली ये होता है कि एमसीक्यूज का एक पोर्शन होता है, एक पोर्शन जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का होता है, और एक क्वेश्चन जो है डियर स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चन जिसको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कहा जाता है. इस तरह से तीन पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है. बाज़ औक़ात क्या होता है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर एमसीक्यूज वाले जो पोर्शन में सेक्शन ए में फिल इन द ब्लैंक्स दे दी जाती हैं, ट्रू फॉल्स होते हैं, बट ये चेंजिंग होती है इन अ मीन वाइल. बट उसका जो रिजल्टेंट है वो यही होता है कि एक मार्क का जो है वो एमसीक्यूज होता है, तो उसी के अकॉर्डिंगली आपने एक चूज करना होता है, या फिर इन दी ब्लैंक्स आती हैं तो वो भी उसी तरीके से छोटी सी एक फिल इन दी ब्लैंक होगी या ट्रू फॉल होगा, तो इतना टाइम जो है वो उसमें नहीं लगेगा सॉल्व करने में. फिर नेक्स्ट जब आप उसमें मूव करेंगे सेक्शन बी में तो उसमें थोड़े शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होंगे. उसकी जो पेपर के नंबर्स की स्कीम है अप एंड डाउन वो होती रहती है. अगर कुछ मार्क्स का पोर्शन एमसीक्यूज में ज्यादा है तो फिर इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में सेक्शन बी में कम होगा, और सेक्शन बी में अगर ज्यादा हो गया, बाज़ औक़ात ऐसे होता है पैटर्न ऐसे बनता है बोर्ड का, उसमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो है वो ज्यादा दे दिए जाते हैं. जैसे प्रीवियस जो आपके बोर्ड्स के एग्जाम्स हुए हैं 2018, 19, 20, 21, इनके अंदर जो है डिफरेंट सब्जेक्ट्स के जो पेपर्स हैं उस पे जो है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स पे ज्यादा फोकस्ड किया गया है. बट आपने जो है कॉन्सेप्ट गेन करना है, पेपर की स्कीम ईयरली चेंज हो सकती है या होती रहती है, कॉन्सेप्ट्स जो है मोस्टली जो है वही रहते हैं, या चैप्टर्स जो है उसमें कुछ टॉपिक्स एडिशनली एड कर दिए जाते हैं, अपडेट होते हैं, बट कॉन्सेप्ट अप्रोक्सीमेटली जो है वो सेम रहता है. सो आप लोगों ने ज्यादा फोकस कॉन्सेप्ट के ऊपर करना है. ये पेपर की स्कीम या इसको सॉल्व करके आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा जब आप बोर्ड फाइनल ईयर बोर्ड में बैठेंगे, बोर्ड के एग्जाम में, तो आपको जो है बिल्कुल प्रॉब्लम या हेजिटेशन नहीं होगी. आपको ऐसे लगेगा कि हम उस फेज से ऑलरेडी गुजर चुके हैं. और डियर स्टूडेंट्स, हम जो है वो सिंध के डिफरेंट बोर्ड्स, जैसे मैंने आपको बताया लड़काना है, हैदराबाद है, सखर है, कराची बोर्ड है, और डिस्ट्रिक्ट बेनजीराबाद है, वहाँ के बोर्ड्स के जो पेपर्स हैं उसमें से ये क्वेश्चंस हैं. नाउ हम अपने जो है वो लेक्चर की तरफ मूव करते हैं. फर्स्ट स्लाइड के अंदर चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 6 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी, एंड चैप्टर नंबर 7 है मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बाइनोमियल थ्योरम. राइट, चैप्टर 2 चैप्टर्स हैं ये, इनका एक पेपर बना हुआ है, ये आपने याद रखने हैं. चैप्टर्स के नेम क्या है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी. राइट, 7 चैप्टर है मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बायनोमियल थ्योरम. इसके एमसीक्यूज करेंगे, पार्ट 1 है. ऑलराइट, अब मूव करते हैं. फर्स्ट वन देखते हैं एमसीक्यूज क्या है हमारे पास. क्वेश्चन नंबर 1, इफ एन इज इक्वल टू 0 देन एन प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन फैक्टोरियल इज व्हाट. तो ये 1 होगा. राइट, ये एक कॉमन सा जो है वो एमसीक्यूज है, ये आपकी थ्योरेटिकल पोर्शन के अंदर डेफिनेटली होगा, तो वहां से इसको पिक किया गया है. तो इसका आंसर आपने 1 जो है वो याद रखना है. द फैक्टोरियल फॉर्म ऑफ 12.11.10 क्या होगा, 12 डिवाइडेड बाय 9 फैक्टोरियल. राइट, ये इसका जो है वो
होगा। जैसे 10 है तो 10 से एक कम किया इसने, यहाँ पे 9 फैक्टोरियल लिख दिया और ऊपर जो है फर्स्ट वन लिख दिया, राइट। तो इस तरीके से होगा। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 3 डियर स्टूडेंट्स, विच इज इफ टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स ए एंड बी अगर इन पी एंड क्यू वेज रिस्पेक्टिवली, देन नंबर ऑफ वेज दैट बोथ इवेंट्स कैन अगर इज व्हाट, पी क्यू वेज, राइट। ये आपने जो है देखना है डियर स्टूडेंट्स, राइट। तो इसका आंसर क्या होगा, पी डॉट क्यू वेज होगा। बोर्ड के एग्जाम्स में जो है नॉर्मली इस तरह के क्वेश्चंस काफी आते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 इन द थ्रोइंग डाइस इज क्या होगा, 0 प्रोबेबिलिटी, इसमें 0 है, राइट। अब जो है एन अरेंजमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट एनी ऑर्डर इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, कम्बिनेशन है। अच्छा अब देखें, 6 है एन अरेंजमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू सम डेफिनेट ऑर्डर इज कॉल्ड कम्बिनेशन, परम्यूटेशन, परम्यूटेशन जो है इसका आंसर है, राइट। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं, ये देखें डेफिनेशंस हैं। नेक्स्ट जो है 8.7.6 इज इक्वल टू व्हाट, तो इसका क्या है जी, 8P3 इसका आंसर है, राइट। 8P3 इसका जो है वो क्या है, आंसर है 7 का। 8 का है द नंबर ऑफ वेज दैट आर नेकलेस ऑफ एन बीड्स ऑफ डिफरेंट कलर्स बी मेड इज, तो ये फार्मूला इंप्लीमेंट करेंगे उससे फाइंड आउट हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2। 9 है इफ सबसेट ऑफ अ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड सैंपल स्पेस एन इवेंट अ ट्रायल रैंडम वेरिएबल एन इवेंट कहलाएगा, 3 डाइस आर रोल्ड सिमल्टेनियसली, देन एन इंटू एस इज इक्वल टू व्हाट, 216, राइट। 216 जो है इसका एक्सैक्टली आंसर होगा। होप सो लेक्चर को एंजॉय किया होगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई डाउट है तो वी ट्यूशन कम्युनिटी ग्रुप पे आए, वहां हमें आके ज्वाइन करें। हेल्पिंग मटेरियल्स रिलेटेड टू एग्जाम्स चाहिए तो www.vtuition.com पे जा सकते हैं, फॉलो करें हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन और टिकटॉक के ऊपर। और डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपने इंस्ट्रक्टर, मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर फुरकान अहमद कुरेशी को वी ट्यूशंस लर्निंग प्लेटफॉर्म से इजाजत दीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज।